रात के अंधेरे में अब जनक को हॉस्पिटल लेकर आया गया है और आदित्य के साथ अनी भी है। वो कैसे छोड़ सकता था जनक को ऐसी हालत में, और अब जहां आदित्य है। मिस्टर आदित्य, डॉक्टर, मेरे जूनियर का कॉल आया था कि आप आने वाले हो, क्या हुआ? यस, ये हमारे शो की कंटेस्टेंट है, स्टेज पर डांस कर रही थी, अचानक से बेहोश हो गई। फिर सेट पर आए डॉक्टर, उन्होंने बताया कि ये होश में तो है लेकिन इन्हें नींद बहुत आ रही है, आप प्लीज एक बार चेक कर लीजिए, पता नहीं वो खून में मिल जाए, जहर बन जाए, प्लीज एक बार। ओके, मैं चेक करती हूँ, प्लीज। और जहाँ आज अनी के सामने खड़ा है आदित्य, तो रुद्र प्रताप को भी बेचैनी हो गई है कि आखिर जनक को हुआ क्या है और ऐसा क्यों किया उसने, वैसी लड़की तो है ही नहीं जनक। तो फिर पेशेंट अपनी आँख तो नहीं खोल पा रही, मैं इन्हें इमरजेंसी में एडमिट करती हूँ और इनके कुछ टेस्ट करवा लेते हैं। डॉक्टर सुनिए ना, जितना भी खर्चा हो मैं पे कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर, जनक हमारे शो पे परफॉर्म करते हुए बेहोश हुए, इसकी जिम्मेदारी हमारी है। डॉक्टर, पैसे की कोई कमी नहीं है, प्लीज। थैंक यू फॉर योर कंसर्न, लेकिन आप जनक के क्या लगते हैं? और आज रुद्र प्रताप की ये सवाल पर अन्नी की चुप्पी है, क्या परिचय दे वो अपना जनक के खातिर। नहीं, वो आपने इतनी बड़ी बात कही, आप तो सृष्टि जी के साथ आए थे ना, आप उनके दामाद है, राइट? रुद्र, ये जनक को काफी अच्छे से जानते हैं। जी, मेरी पहचान की है, मैं जानता हूँ इन्हें। अच्छा जी। और यहाँ पर आदित्य को होती है बहुत खुशी, जिस हक से वो कोलकाता में बात किया करता था आदित्य के साथ, अब सारी हेकड़ी निकल गई है अनी की। बॉड बॉय, इन्हें अंदर ले चलिए, मैं आपको जल्दी ही अपडेट करती हूँ। थैंक यू। ओके, और अगर मैं यहाँ पे नहीं रहा तो प्लीज कॉल मी। डोंट वरी, कुछ भी रहा तो मैं आपको कॉल करती हूँ। वैसे आपको यहाँ रहने की जरूरत है नहीं, मैं यहाँ पे हूँ, आप जा सकते हैं। मिस्टर अनिरुद्ध बोस। बॉस, मिस्टर बॉस, आपसे कुछ बात करनी थी, एक तरफ चल के बात कर। अभी इस वक्त? यस, श्योर। और जहाँ रुद्र प्रताप को कुछ मालूम ही नहीं, वहीं अब अनी को लेकर जाता है खुद आदित्य, और अब दोनों आमने सामने हैं, और एक ही है जिसका नाम है झनक, जिसकी फिक्र है दोनों को। जो बोलना जल्दी बोलो। मिस्टर बॉस, कोलकाता में शूट के दौरान मिलना हुआ था तुमसे, इसे काफी पॉजेसिव थे तुम जनक को लेकर, तुम दोनों के बीच ये जो भी रिश्ता है था, हाँ आई थिंक था बोलना सही रहेगा, है ना? देखते ही समझ गया था मैं। वैसे बस तुम्हें इतना बताना चाहता हूँ कि इस प्रोफेशनल फील्ड में ना उसकी कोई वैल्यू नहीं। और अब अनी के पास कुछ नहीं बोलने के लिए, आदित्य कपूर तो मखमल में लपेट कर चप्पल मार रहा है आज उसे। अब तो वैसे भी तुमने दूसरी शादी जो कर ली है, तुम्हें निकाला होगा ना उसे, जब जनक को तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब तुम उसके लिए नहीं खड़े हुए, आप यहाँ पर क्यों? और तुम्हें क्या लगता है कि सिर्फ तुम उसकी फिक्र करते हो? हाँ, अब कोई और तो है नहीं ना उसकी फिक्र करने के लिए, तो मुझे लगा कि अब मुझे उसकी फिक्र करनी चाहिए। वो बेचारी लड़की, पहली बात यह कि वो बेचारी लड़की नहीं है, बहुत टैलेंटेड है, और दूसरी बात कि तुम सोच भी कैसे सकते हो कि कोई और उसकी फिक्र नहीं करता। और अब अनी फाइनली अपनी दिल की बात बोलता है आदित्य को, और एहसास कराता है कि झनक उसकी ही है, वो पीछे हटने वालों में से नहीं, और खासकर झनक के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। ओके, मतलब तुम उसकी फिक्र करते हो, भाई अब तक कहां थे तुम? अगर कोई इंसान बिना बताए चला जाए तो कोई उसकी मदद कैसे कर सकता है? राइट राइट राइट, एकदम सही बात है भाई, जब कोई बिना बताए घर से चला जाए तो कोई इंसान उसकी मदद करे भी तो कैसे? लेकिन उसके पीठ पीछे कोई दूसरी शादी कर ले,
ये क्या बात हुई भाई? पर अब आदित्य हथौड़ा मार दिया अनी के दिल पर, और अनी भी अपनी लाचारी कैसे बताएं अब इस आदित्य कपूर को, जो अचानक से झनक की जिंदगी की डोर अपने हाथों में लेना चाहता है। जब कुछ पता ना हो ना तो बेकार की कहानियां मत बना। ओके ठीक है, नहीं बनाते हैं कहानियां। एक काम करो, अपनी कहानी ना तुम अपनी जुबानी खुद ही बता दो। एक रियलिटी शो में आए हो अपनी बीवी के साथ, और सेम उसी शो में एक वो लड़की है जिसके लिए तुम्हारे दिल में फीलिंग्स थी या क्या है यार? ये तो वही बात हो गई ना कि चित भी मेरी पट भी मेरी, ये तो सही नहीं हो रहा। मतलब क्या है तुम्हारा यार? मतलब तो तुम बहुत अच्छे से समझ ही चुके होंगे। तो मैं इतना बताना चाहूंगा कि मेरा शहर लाखों करोड़ फैंस है मेरे, तो अपना ये गुस्सा अपना एटीट्यूड थोड़ा जेब में संभाल के रखिए अनिरुद्ध बाबू। और अब अनी आदित्य का असली एटीट्यूड देखता है। ऐसे थोड़ी ही वो इतना बड़ा स्टार है। तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा तो क्लियर कर लेते, तुम झनक की जिम्मेदारी लेना चाहते हो राइट? लेकिन किस हद से? क्या लगती है वो तुम्हारी? क्या रिश्ता है तुम दोनों का? आई मीन पेपर में तुम क्या लिखोगे, क्या साइन करोगे, बताओ मुझे। अब यार फैमिली तो ना तुम भी नहीं हो उसकी। क्या है अनिरुद्ध बाबू कि हम अपने जीवन में ना बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, काफी लोगों से हमारे कनेक्शंस बनते हैं, लेकिन सब सेम तो नहीं होते ना। अब यूं ही तुम किसी रैंडम लड़की के लिए बार बार रैंडम वो तुम्हारे लिए होगी, मेरे लिए नहीं है। इसलिए मैं क्या करूंगा क्या नहीं करूंगा ये तुम मुझे नहीं बताओगे ओके? अरे यार तुम तो बुरा ही मान गए। अरे भाई इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं मुंबई में रहता हूँ, हॉस्पिटल में आना जाना लगा रहेगा, थोड़ा इजी हो जाएगा। तुम्हें तो वैसे भी वापस कोलकाता जाना होगा ना अपनी बीवी के साथ। लेकिन तुम्हारी इन घटिया बेकार बातों के लिए ना वक्त नहीं मेरे पास, जल्दी से पॉइंट पे आओ। तुम झनक को हार चुके हो और अब उसे जीतने की बारी मेरी है। और अब अनी को समझ आती है कि क्या खेल चल रहा है आदित्य के दिमाग में। फिल्मी दुनिया ही बना दिया वो झनक की कहानी। पर अनी हार मानने वालों में से नहीं। अर्शी को पता है कि वो सिर्फ झनक का ही है। पर अब आगे क्या होगा? क्या अर्शी देगी अनी का साथ या छोड़ने बोलेगी झनक का हाथ? देखते रहिए क्या होता है यही कंप्लीट बॉलीवुड पर, जहां हम आप तक पहुंचाएंगे झनक की सारी अपडेट्स।